सो हेलो वेलकम। एंड अब हम अपना पावर बीआई का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले, जो कि एक शॉर्ट चैप्टर होगा। इट्स अबाउट इंक्लूड एंड एक्सक्लूड इन पावर बीआई। इंक्लूड और एक्सक्लूड कैसे किया जाएगा पावर बीआई के अंदर। इसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पावर बीआई में सैंपल सुपर स्टोर डेटा को लोड कर रखा है, और ये सैंपल सुपर स्टोर डेटा आप देख सकते हैं, कैटेगरी, सिटी, कंट्री, सब सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इस डेटा के बारे में हम लोग कई बार अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो डेटा के बारे में ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। बस ये एक कंपनी के सेल्स का डेटा है। अब हम लोग यहाँ पे करने ये वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग एक चार्ट तैयार करते हैं, और हम लोग एक स्टैक्ड बार चार्ट बनाते हैं। ठीक है, स्टैक्ड बार चार्ट में क्या होता है कि आप देखेंगे कि एक ही पर्टिकुलर बार चार्ट पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगोरिकल डेटा को दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस पे सपोज कीजिए हम रीजन को ले आते हैं। यहाँ पे रीजन आ गया, एक्स एक्सिस पे सेल्स को ले आते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग-अलग रीजन की सेल्स इस तरीके से आ गई हमारे पास। पर अब यहाँ पे एक लेजेंड नाम का भी कॉलम है। ओके, लेजेंड नाम के कॉलम में हम क्या कर सकते हैं, अगेन किसी कैटेगोरिकल डेटा को ले आ सकते हैं, क्योंकि लेजेंड से कलर बन जाता है। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास तीन कैटेगरी का डेटा है, फर्नीचर। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं फर्नीचर, होम ऑफिस और टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ से हम जूम कर सकते हैं। हमारे पास इन तीन कैटेगरीज में डेटा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे किसी कॉलम को हम लेजेंड का पार्ट बना सकते हैं अपने ग्राफ में। तो जब हम यहाँ से लेजेंड में इसको ड्रैग करेंगे, तो आप देखेंगे ये एक स्टैक हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो यही स्टैक हमारा वर्टिकल हो जाएगा। इज इट ओके? नाउ ये जो डेटा हम देख रहे हैं, यहाँ एक्स एक्सिस पे रीजन है इस समय, और वाई एक्सिस पे सेल्स है कि हर रीजन में कितनी कितनी सेल्स हुई। हम इस रीजन को यहाँ से हटा के सब कैटेगरी को भी ले आ सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी कर सकते हैं। सो हम लोग एक काम करते हैं, अभी जैसे रीजन को रहने देते हैं, और वो आप अपने से ट्राई कीजिएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को। ठीक है, अब आप लोगों को इंक्लूड और एक्सक्लूड पढ़ना है यहाँ पे। सो सबसे पहले तो यहाँ पे सपोज करो कि मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और इस पे क्लिक कर दिया। ऐसा मैं कैसे कर पा रहा हूँ, पहले मैंने कंट्रोल प्लस क्लिक किया है। ओके, ओके आपको यहाँ पे कंट्रोल का यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस क्लिक, जो हमारा लेफ्ट क्लिक है। ठीक है, राइट क्लिक नहीं, लेफ्ट क्लिक। सो कंट्रोल प्लस क्लिक करने पे क्या होगा कि कोई एक चीज सेलेक्ट हो जाती है, कोई एक डेटा सेलेक्ट हो जाता है। जैसे ये एक सेलेक्ट हो गया। ओके, अब इसके सेलेक्ट होने के बाद हम दूसरा भी कुछ कर सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान लो ये डेटा मुझे पूरा दिख रहा है। अब मैं वेस्ट रीजन की टेक्नोलॉजी को, मान लो तुमसे कहा गया कि वेस्ट रीजन की टेक्नोलॉजी को सेंट्रल रीजन की फर्नीचर के साथ कंपेयर करो, तो अभी तो आपने सेलेक्ट कर लिया दोनों को, पर आप देखेंगे कि अभी हम लोग इनको
अलग से नहीं देख पा रहे, राइट, साइड बाय साइड। यस तो आप अब आप राइट क्लिक करेंगे और इंक्लूड या एक्सक्लूड में से कोई भी पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट करेंगे। इंक्लूड का मतलब क्या होगा कि सेलेक्ट ओनली दिस डेटा। तो जब आपने इंक्लूड किया तब आप देखेंगे कि सिर्फ वेस्ट रीजन टेक्नोलॉजी और सेंट्रल रीजन फर्नीचर ये इंक्लूड हो गया, और ये हमारा फिल्टर्स का पेन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे फिल्टर्स आते हैं इस बार के अंदर, और आप देखेंगे यहाँ पे वेस्ट रीजन प्लस टेक्नोलॉजी कैटेगरी और सेंट्रल रीजन फॉर प्लस फर्नीचर कैटेगरी, ये फिल्टर अपने आप अप्लाई हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, और मान लो अब हम यहाँ पे डोनट चार्ट पे क्लिक कर देते हैं। सो रिमेम्बर कि अभी फिल्टर अप्लाइड था, हम एक स्टैक्ड बार से होते हुए यहाँ पे हमने डोनट चार्ट पे क्लिक कर दिया। अब हमारे पास, हमें पता चल रहा है कि वेस्ट, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते तो वेस्ट रीजन की सम ऑफ सेल 60% है इन दोनों में, और इसकी सेंट्रल रीजन की फर्नीचर सेल्स जो है वो 39.39%। ओके, यस अगर वापस हम इसको चाहे तो स्टैग कॉलम चार्ट बना दें, और अगर हम इसे रिमूव फिल्टर कर देते हैं यहाँ से, तो ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा और इस तरीके से आपको डेटा दिख जाएगा। तो ये एक शॉर्ट तरीका है इंक्लूड करने का। नाउ सपोज कीजिए किसी ने कहा कि पूरे डेटा तो हम देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई, टेक्नोलॉजी, पूरा डेटा आप देख रहे हैं। सपोज कीजिए इसको 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 और इसको, किसी ने कहा कि एक काम करिए ऑफिस सप्लाई को भगा दीजिए पूरे में से और बाकी डेटा कंपेयर करते हैं। उसका एक तरीका तो फिल्टर है ऑब्वियसली, जैसे आपने कहा कि कैटेगरी इज ऑल की जगह कैटेगरी इज इन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये एक तरीका। दूसरा तरीका उसी चीज को करने का क्या है, आपने पहले इन चारों को कंट्रोल से सेलेक्ट किया और फिर एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड का मतलब हो गया कि इनको छोड़ के, राइट, इनको छोड़ के बाकी सारे जो आपके रीजन्स के जो कैटेगरीज थी वो सेलेक्ट हो गई। इज इट क्लियर? यस सर ओके, अगर मान लो हम लेजेंड में कैटेगरी की जगह पे अभी सब कैटेगरी ले आते हैं, क्योंकि सब कैटेगरी ज्यादा हैं हमारे पास, आप देखेंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास और ज्यादा कंपेयर करने के पॉइंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सब कैटेगरी बहुत सारी है हमारे पास, तो इसमें मान लीजिए किसी ने कहा कि इसको और इसको केवल कंपेयर करो, ये है आपका वेस्ट रीजन में फोन्स, सेंट्रल रीजन में चेयर। सो आई गेस अब आप समझ सकते होगे यस कि सर कैसे हम इसको करते हैं। ठीक है, इसको चाहे तो यस एक्सक्लूड कर सकते हैं चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये एक्सक्लूड करने को सर ये ग्राफ से वो चीजें हट जाती है ना, और हाँ, इंक्लूड करने पे वो वो पर्टिकुलर नथिंग नथिंग सेलेक्टेड, जो सेलेक्टेड डेटा है वो हट जाएगा। यस इसका ठीक है सर बेसिकली मतलब ये है कि जितनी भी रोज में, ये कई का फिल्टर है, जितनी भी रोज में सपोज कीजिए मैं कंज्यूमर सेगमेंट को और कैलिफोर्निया स्टेट को हटा देता हूँ मान लीजिए। ठीक है, तो जितने भी डेटा में कंज्यूमर सेगमेंट होगा और कैलिफोर्निया स्टेट होगा, दोनों एंड, याद है ना पिछली बार का यस एंड, एंड और सिखाए थे दो, राइट। या लास्ट क्लास में यस तो वो हम लोगों ने किया था क्वेरी लिख के, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हट जाएगा और ये आपका इंक्लूड और एक्सक्लूड चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले एक्सपोर्ट एस सीएसवी इन पावर बीआई। लाइक हम पहले कोई फिल्टर अप्लाई कर दे, मान लो जैसे हमने ये और ये सेलेक्ट कर लिया,
और इसको एक्सपोर्ट करते हैं।